होंडा साइन बी एस 6 2022 मॉडल कलर्स रिव्यू। कंपनी ने अब करेंटली 5 कलर्स में डील कर रही है। एक कंपनी ने हाल ही में ऑल न्यू कलर कॉम्बिनेशन एड ऑन कर दिया है, जो कि आपको पता होगा ये कलर कॉम्बिनेशन। तो ये 5 कलर कॉम्बिनेशन में कौन सी कलर कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट निकल के आती है, आज आपको इस वीडियो में इससे पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। थोड़ा सा बारिश हो रहा है, देख सकते हैं हम वीडियो शूट कर रहे हैं। अभी आपको पता है मेनली हर जगह बारिश हो रहा है 20, 21, 22 तारीख को, तो मई के मंथ में, तो यहाँ भी थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, बाकी हम वीडियो शूट कर रहे हैं। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल पर अगर पहले विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आप ओवरऑल कलर कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे तो बहुत ही बेहतर आपको यहाँ कलर कॉम्बिनेशन कंपनी प्रोवाइड करती है, देख सकते हैं। आपको हमने स्टार्टिंग में दिखाया, आप ये रेड कलर कॉम्बिनेशन चेकआउट कर सकते हैं मैरून वाला। उसके अलावा आपको इसमें जो सिल्वर कलर कॉम्बिनेशन है वो मिल जाता है, ये ग्रे वाला। उसके बाद ये मैट ग्रे का आपको ऑप्शन है वो मिल जाता है। ड्रम और डिस्क आपको सारे मॉडल्स इन्हों मिल जाते हैं। ड्रम की ऑनरोड प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे, 92,000 रुपीज़ के आसपास इसके ड्रम वेरिएंट ऑनरोड कॉस्टिंग करते हैं, 92,000-93,000 रुपीज़ के आसपास, 93,000 रुपये आप लेकर चल सकते हैं। डिस्क की बात करेंगे 98,000-99,000 रुपीज़ के आसपास कॉस्टिंग करती है। तो करेक्ट ऑनरोड प्राइसिंग के लिए आप लोग अपने नजदीकी की शोरूम में जरूर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, आपको वहाँ पर इस गाड़ी करेक्ट ऑनरोड प्राइसिंग पर चल जाएगी। बाकी ओवरऑल आप गाड़ी देखते हैं, बहुत ही बेहतर कलर कॉम्बिनेशन आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। कंपनी अच्छे खासे कलर कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करती है, चाहे आप ग्रे मेटालिक की बात करें, ये कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। बहुत लोगों ने सोचा था कि ये कलर कॉम्बिनेशन कंपनी डिसकंटिन्यू कर दिया, लेकिन कंपनी फिर से लेके आ चुकी है इसको साइड स्टैंड के साथ। उसके अलावा बात करेंगे ड्रम और डिस्क की ऑनरोड प्राइसिंग के बारे में, तो ड्रम को डिस्क आपको हमने लगभग ऑनरोड प्राइसिंग बता दी है। माइलेज इस गाड़ी की लगभग आपको 60 के आसपास की मिल जाती है, 55-60 गाड़ी माइलेज निकाल के देने में कैपेबल है, तो आपको इजिली गाड़ी 55-60 का माइलेज निकाल के देती है। अगर आप में से किसी के पास भी गाड़ी है तो कमेंट्स में आप लोग जरूर शेयर करिएगा कि ओवरऑल कैसा कुछ माइलेज मिल रहा है। बाकी 55-60 तक गाड़ी एक शानदार माइलेज निकाल के दे सकती है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट जाता है। उसके अलावा डिस्क और ड्रम में बहुत तो कन्फ्यूज होते हैं, डिस्क लें या ड्रम लें, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको थोड़ी इनिशियल ब्रेकिंग चाहिए, आपकी हाईवे राइडिंग ज़्यादा है, आपको सडनली ब्रेकिंग का ज़्यादा मदद चाहिए होता है, ये चाहते हैं कि आप तुरंत ब्रेक मारें आपकी गाड़ी रुक जाए, तो आप डिस्क ब्रेक के साथ बिल्कुल जाइएगा। डिस्क ब्रेक में थोड़ा लुक भी इंक्रीज हो जाता है, थोड़ी गाड़ी डिस्क ब्रेक में और बेटर निकल के आती है। उसके अलावा आपकी सीटिंग राइडिंग, आप सीटिंग में आपको राइड करना है 40, ज़्यादा से ज़्यादा आप 40-50 की स्पीड में जाते हैं, तो आप ड्रम वेरिएंट के साथ भी बिल्कुल मूव कर सकते हैं, ड्रम वेरिएंट आपके लिए बहुत ही शानदार है। बाकी अगर आप इस हाईवे ले जाते हैं 60-70 की स्पीड अचीव करते हैं इस गाड़ी में, जो कि नॉर्मल बात है, तो बिल्कुल आप लोग डिस्क ब्रेक जरूर लीजिएगा, क्योंकि अगर इनिशियल ब्रेकिंग की बात करेंगे, अगर आपको फास्ट ब्रेकिंग चाहिए तो कहीं ना कहीं डिस्क ब्रेक उसमें ज़्यादा हेल्पफुल निकल के आता है, डिस्क ब्रेक ज़्यादा बेटर निकल के आता है। बाकी ये कलर कॉम्बिनेशन चेकआउट कर सकते हैं, जो कंपनी ने ये न्यू कलर कॉम्बिनेशन चेक किया, बहुत ही शानदार ये कलर कॉम्बिनेशन लगता है मेरे को पर्सनली। कमेंट्स में आप लोग हमसे जरूर शेयर करिएगा कि आपको ये कलर कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है, ये दे सकते हैं। ओवरऑल जो आपको इस पे स्टिकर्स इन्हों मिल जाते हैं, जो कंपनी ने गोल्ड का कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया, कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर किया, तो ओवरऑल जो गाड़ी की लुक है वो बहुत ही बेहतर ओवरऑल निकल के आती है। बाकी अगर बात करेंगे तो अगर आपने कोई प्लान कर रहा है, जरूर आप इस गाड़ी को चेकआउट कर सकते हैं, एक बहुत ही शानदार ओवरऑल गाड़ी इन्हों मिल जाती है आप सभी को होंडा कंपनी तरफ से। अच्छे खासे कलर कॉम्बिनेशन इन्हों मिलते हैं, 5 कलर कॉम्बिनेशन आपको जो बेस्ट लगे, रेड अच्छा लगे रेड के साथ जाइए, ब्लू अच्छा लगे ब्लू के साथ जाइए, ये मैट ग्रे आपको अच्छा लगे उसके अलावा मेटेलिक ग्रे अच्छा लगे, या आपको इसकी जो ब्लैक और रेड कलर कॉम्बिनेशन वाली गाड़ी इन्हों मिल जाती है वो अच्छे लगे, जो आपको 5 में से बेस्ट लगे आप उसे जा सकते हैं। ब्लू कलर भी बहुत ही शानदार लग रही है, तो ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आपको जो बेस्ट लगता है आप उसे जा सकते हैं। बहुत ही शानदार कलर कॉम्बिनेशन कंपनी 2022 में आपको यहाँ प्रोवाइड करती है। बाकी ब्लू कलर कंपनी पहले ज़्यादा डार्क कर दिया, पहले जो इनका ब्लू कलर थोड़ा लाइट कलर आता था, लेकिन कंपनी ने पहले ज़्यादा इस पर डार्क कर दिया। बाकी बगल में रेड कलर खड़ी है, तो वो भी लोग भी आप लोग देख सकते हैं। ओवरऑल कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही बेहतर है और सारी गाड़ियाँ बहुत ही शानदार लुकवाइज लगती है, तो अब कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली, लुक सारी गाड़ियों में बहुत ही बेहतर निकल के आता है। तो ये था फ्रेंड्स डिटेल इन सब का कलर रिव्यू, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छा लगा, तो आप लोग रेज्यू करिएगा। चैनल पर अगर पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम रोजाना आप सभी के लिए और ऐसे मज़ेदार वीडियो लेके आते रहेंगे, तो आप लोग उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे वीडियो आपको और कोई प्रोवाइड नहीं करता है यूट्यूब पर, तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को भी जितना हो सके अधिक से लोगों को शेयर कर सकते हैं, ताकि और लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके आप सभी की ऑल न्यू साइन के बारे में। बाकी ये साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर, जो कि आपको हमने स्टार्टिंग बताया, कंपनी का एक बहुत बड़ा मूव है, जो कि आपको साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर साइन बेसिस में कंपनी ने अपडेट कर दिया। कैसा लगता है आपको ये, जरूर कमेंट में आप लोग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।